मैं उज्ज्वला से जो फ़ायदा मिली मुझे, उज्ज्वला से जो फ़ायदा हुआ है वही आपको बता रही हूँ मैं। और जो छत्तीसगढ़ की जितनी भी महिलाएं हैं उन सब से मैं आप धन्यवाद करती हूँ, जो उज्ज्वला आपने हम उपयोग कराए उसके लिए। इतने तो कई सरकार आए और सभी महिलाओं को खुश करने की बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी महिलाएं खुश नहीं हो पाएं। लेकिन आप इस बार सरकार बनकर आए और जितनी भी महिलाएं उन सबको खुश कर दिए। और समय को तो हम खरीद नहीं सकते, लेकिन उज्ज्वला खरीद कर हम समय को खरीद लिए। जो उज्ज्वला से हमें खाना बनाकर जो समय बचता है उस समय को हम अपने बच्चों के लिए निकालते हैं, पति के लिए भी निकाल सकते हैं और खुद के भी निकालते हैं। और उसी समय में मैं सिलाई भी करती हूँ और उसमें मैं अपनी जीवन यापन कर रही हूँ। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ, जितने भी उज्ज्वला से आप सब जुड़े हैं उन सबको भी मैं आभारी हूँ कि उज्ज्वला मिले हैं, दिलाए हम सबको दिलाए, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ, पहले तो सरकार आए लेकिन गरीब महिलाओं के लिए नहीं सोचते थे, सरकार तो सिर्फ सर्विस वाले को ही देखते, लेकिन इस बार सरकार आए वो हम गरीब महिलाओं के लिए सोचे और देखे और हमारे दर्द को समझे हो, जी हम जो लकड़ी से चूल्हे जलाते थे उसमें कितना दर्द होता था, लेकिन उस दर्द को हम अपने पति बच्चे और सास ससुर को खाना बनाकर देने में उसी में खुशी को महसूस करके हम घुटक लेते थे उस दर्द को। लेकिन इस बार सरकार आए उस दर्द को हमारे समझे और हमें उज्ज्वला दिलाकर हम बहुत खुश किए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और मैं अपनी पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाओं उनकी तरफ से भी मैं धन्यवाद करती हूँ और हम गरीब महिलाओं को समझें इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हमने अब अच्छी सहूलत गैस लेने से हमने ज़रा अच्छा सहूलत मिल को है, हमने अच्छी अब हमारी सेहत भी ज़रा अच्छी है, सब ये है हमारे घर में से भी गलीज आ गई, फजी थी, सेहत भी अच्छा नहीं था, सब अब ज़रा हमने अच्छी सहूलत मिल को है। सब हम टाइम सब वक्त ये होता है, बच्चे कमाई थी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ी को हमने ये नहीं था, बच्चे अब बच्चे जा को स्कूल को इसल सी बच्चे को स्कूल को चुका को कमाई कुदाल को ही, फिर एक छोटा बच्चा है उसे भी कमाई कुदाल को ही। अब हमने अल्लाह का सहूलत मिली है 2 महीने से, अब बड़ियाम भी हमें रात दिन बड़ियाम बनते उसमें भी हमने अच्छी अब सहूलत ये हुई है। ज़रा टाइम हमना ये होता है 1 बजे तक सोना था, 2 बजे तक सोना था, 8 बजे तक ज़रा काम जल्दी करको हमें ये करको सोती, ज़रा बच्चों को भी ज़रा अब टाइम स्कूल को जल्दी पका छोटी बच्ची भेजती, हस्बैंड भी फ्रूट बेचने जल्द जल्दी टाइम ये करको बच्चे हमारे हस्बैंड भी जाती, उसमें हम ना शुक्रिया इनका कहता है शुक्रिया। बट क्या मोदी जी ने ये बनाया गैस फ्री, ये अकाउंट बैंक अकाउंट का उसमें भी हमने फुल फ़ायदा हुआ, बिजली के पैसे उसमें आपको पड़ती उसमें भी हमने अल्लाह की सहूलत मिली, सब ये हुआ कि धन्यवाद उनको सबको भी हमना इतना सहूलत देखो इतना सब कर को हमना सब ये करे सो शुक्रिया। हमें रीना रुद्रपाल यो आगे लड़की चूलाते रान्ना करतम, एक बेला खाइले आक बेला खाते पारतम ना, बिस्टिर दिनों लड़की आनते पारतम ना, जंगलते पता टाता टुके आनतम, ছেলে মেয়েরা সবসময় খাওয়ায় স্কুলে পাঠাতে পারি না। যখন টিভিতে আমি দেখলাম গ্যাস দিতেছে মোদি, তখন আমি একটু কাগজপত্র নিয়েছি রে ব্লকে নিয়ে জমা দিয়ে, কে করে করছি না করে নিজে নিজে দিয়েছি, সে বোধ মানুষে কয় যে মিথ্যা কথা, আমি কি মিথ্যা কথা হোক আমি নিয়ে দিয়েছি, পারলে তো পাইলাম না পারলে তো নাই। তখন আমি আগে বাসাত কাজ করতাম, ওখানে আমি বাসাত কাজ করবি না, গ্যাস পায়ে আমি খুব খুশি হয়েছি, গ্যাসও রান্না করে আনে আন আমি নিজেই বাড়ির মূর্তি কাজ করি, 2 মাসের ভিতরে 10,000 টাকা রুজি করছি, আমার হাজব্যান্ডের টাকার কাম লাগে না, গ্যাসের টাকা আমি আনতে পারি, এরপরে লেখাপড়া করাইতে খুব খুশি হই ছেলে মেয়েরে। তখন আমি নমস্কার প্রধানমন্ত্রী, এরপরে আমি অনেক খুব আনন্দ হয়, আমি আর কিছু করতে পারি না। এরপরে আমি এনে গরিব মানুষ এখানে আছি উজ্জ্বলাতে, আর নাইলে আমার মতন মানুষ এখানে আইতাম আমার খুব সম্ভব না, আমি টিভিতেও সব জিনিস দেখতে পাচ্ছি না, আমি এখানে এসে যে জিনিস দেখতে পাচ্ছি আমার বাড়ির কথা সব ভুলে যেতে হচ্ছে, আমার সবাই রে ক কি কি আমি কিছু ভালো ভালো নমস্কার সবাই। প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা ভারত গ্যাস নিয়ে আমি খুব উপকার পেয়েছি। তখন আমি উনানে রান্না করতাম, সময় পেতাম না, কিন্তু আমি এখন গ্যাস নিয়ে অনেক সময় পাচ্ছি। সেই কারণে আমি আমার নিজের সেলাই বা ঠোঙা তৈরি করছি, তৈরি করে আমি সেই গ্যাসের পয়সা জোগাড় করছি। আমি সকলকে বলছি, সকলেই গ্যাস নিন, নিয়ে খুব উপকার পাবেন। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে গ্যাস নিয়ে। আমি ওই জন্যে সকলকে বলতে চাইছি যে সকলেই গ্যাস নিন, নিয়ে সময় নষ্ট করবেন না, নিজেদের হাতের কাজ করবেন। আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। নমস্কার। আইয়ে ইসকা অনুবাদ শুনতে হ্যাঁ। নমস্কার। পশ্চিমবঙ্গল সে আয়া হে মঙ্গলা প্রামাণিক, উনোনে বল রা হ্যা উজ্জ্বলা কানেকশন লেনে কে বাদ উনকো বহুত উপকার মিলা হে। উনকা পহলে জো উন জো লিফাফা উনোনে বানা থা ওর কাম সেলাই কা সেলাই করতা হে, উসসে উনকা ফায়দা হতা হে ওর ওয়া সে উনকো গ্যাস কা পয়সা ভরতা হে। আর উনোনে বলা হ্যা সবকো গ্যাস লেনে কে লিনে ও বহুত আনন্দ হো রা হ্যা গ্যাস লেনে সে। থ্যাংক ইউ। বেশি তো নাই কই পারবি, কমনি কইবি। যা মানে বহুত ধন্যবাদ আমার গ্যাসের কিছুই বলি, মানে বহুত খুশিরে অছে ইনা। আগে তো কাঠরে রাঁধিলি বেড়ে মানে বহুত মানে আখির পানি গড়ুতিলা, ইনা তো গ্যাসরে রাঁধি করি ইনা আখির পানি বন্ধ হয়ে গলা। ইনা তো এতকিনি কইবি আর নাই কই পারবি। इसका ट्रांसलेशन सुनते हैं। सबको नमस्कार। वो एक गरीब परिवार से है तो वो बोली कि पहली बार वो इतनी बड़ी सभा में बोलने के लिए उसको हिचकिचा हो रही है। तो वो बोल रही है कि पहले जब लकड़ी कलेक्शन करके लकड़ी से वो रसोई करती थी तो वो जो आंसू आता था धुएं से, वो अभी गैस कनेक्शन लेने के बाद उसकी आँखें ठीक है और परिवार के स्वास्थ्य ठीक है और अब सब खुश हैं और ज़्यादा वो बोल नहीं पाई। भारत के परम श्रद्धा के केंद्र आदरणीय राष्ट्रपति जी, इस सभागार में दरबार हल में उपस्थित भारत की 27 राज्यों से 104 प्रधानमंत्री उज्ज्वला लाभार्थी बहनें, समाज के सम्मानित अतिथिगण, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण और अन्य अतिथिगण, मैं कुछ दिन पहले सम्माननीय राष्ट्रपति जी को जब मिलने आया था तब उनको उन्होंने अपने से ही आग्रह लेके पूछा कि आपकी विभाग के द्वारा चालित उज्ज्वला योजना की क्या हलचल है। तो मैंने उन समय तक जितने आज उज्ज्वला की 21 महीने के अंदर 1 मई 2016 से शुरू हुआ ये कार्यक्रम, आज 21 महीना से आगे 13 दिन आगे आए हैं, इतने दिनों में देश में 3,40,00,000 बहनों के घर में ये कनेक्शन ये चूल्हा पहुंच पाई है। तब मैंने राष्ट्रपति जी को जब उन दिनों की संख्या बताई, उनको थोड़ा साहस करके एक अनुरोध किया कि आप ऐसे कुछ बहनों को कभी आपके प्रवास में मिलने की अनुमति देंगे। तत्क्षणात उन्होंने कहा कि कुछ क्यों, 100 बहनों को दिल्ली बुलाओ, मैं उनको चाय पिलाने वाला हूं, मैं उनको राष्ट्रपति भवन में इस दरबार हल में निमंत्रित करता हूं। मित्रों, ये दरबार हल भारत की बड़े बड़ों के लिए है। इस बार
राष्ट्रपति अभिभाषण में आपने कहा, मेरी सरकार सामाजिक न्याय पर विश्वास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार पिछले 3.5 सालों में जो भी कार्यक्रम किया, केंद्र में भारत की सामान्य लोगों के हित, गरीबों के हित, गरीबों के कल्याण, विशेष करके महिलाओं के कल्याण एक प्राथमिकता के विषय रही, जिसको आपने इस बार की राष्ट्रपति अभिभाषण में कहा कि हमारी सरकार सामाजिक न्याय की पक्षधर है। मित्रों, आपकी सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक स्लोगान नहीं है, एक करने वाला काम है। और आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बहनों की जो अनुभव हमने सुना, ये सामाजिक न्याय की आपकी, माननीय राष्ट्रपति जी, आपकी और प्रधानमंत्री जी की दृष्टि है भारत की सामान्यों के प्रति, गरीबों के प्रति। इस दरबार हॉल में जहां कभी ये महिला सोच नहीं सकते थे हम यहां आए, हमारी सम्मान हो, हमको भारत की ऐसे एक राष्ट्रपति आए, हमें चाय पुलाएं और अपना अनुभव सुने, अपनी जिंदगी की अनुभव सुने, मैं आभारी हूं राष्ट्रपति जी का, उन्होंने ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए अनुमति दिया। आज ये लक्ष्य बढ़ी है। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए करोड़ों महिलाओं की स्वास्थ्य में फर्क आ रही है, समय में बचत हो रही है। छत्तीसगढ़ की आई हुई बहन ने कहा कि हम तो समय को खरीद नहीं पाएंगे, समय को बचा पाएंगे। मित्रों, आजाद भारत में एक सामान्य गरीब महिला की इससे बड़ा क्रांतिकारी वक्तव्य कुछ नहीं हो सकता है। आज गरीब महिला कहते हैं समय सबसे बलवान होती है। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने उस महिला को समय को भी पकड़ने का हिम्मत दिया है, यही हम लोगों की उपलब्धि है। और इस कार्यक्रम पे जुड़े हुए आज माननीय राष्ट्रपति जी, इस कार्यक्रम की सारे घटक, वो अधिकारी हो, हमारी फील्ड में काम करने वाला DNO हो, हमारी LPG की दुनिया में जुड़े हुए सिलेंडर उत्पादनकारी हो, वितरक हो, पाइप बनाने वाले मित्र हो, या इसको क्रियान्वयन करने वाले, उसकी प्रचार प्रसार, उसकी डिजिटल डाटा मैनेजमेंट, ये सारे जो दुनिया, जिसको निधि ने अभी कहा कि हमारे एक उज्ज्वला परिवार बना है, ये एक सरकारी कार्यक्रम सहज बचा नहीं है, ये एक जन आंदोलन की रूप ले चुका है, जन भागीदारी का रूप ले चुका है। एक कार्यक्रम शुरू होने, घोषणा होने के पहले से उसकी पूर्णांग प्रस्तुति और उसकी सफल क्रियान्वयन, पारदर्शी क्रियान्वयन, ये उसकी विशेषता रही है। और आज ये लक्ष्य बढ़के 8 करोड़ तक हमें जिम्मेवारी दिया गया है। हम आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी, आज पेट्रोलियम विभाग, तीनों मार्केटिंग कंपनी और इस परिवार से जुड़े हुए सारे घटक, आपने जो भरोसा हम लोगों पे जताया है, हम लोगों को पे भरोसा रखा है कि इसको एक जन आंदोलन देना। और प्रधानमंत्री जी एक बात बार बार कहते हैं, जब 125 करोड़ देशवासी एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति जी, ये कार्यक्रम उसकी एक मूर्ति रूप प्रतीक है। मैं पुनः आपकी आभारी हूँ। भारत की इस बदलते हुई, यही है नया भारत, इसको आपने निमंत्रण किया, आज आपने उनको सम्मानित किया, मैं आपकी आभार प्रकट करते हुए आपका भी मैं आभारी हूँ। आप इस महान जन आंदोलन में खुद को शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद।